तो गुजरात गुजरात अच्छा, अच्छा 10 ओवर्स में 102 रन रन चाहिए चाहिए थे। थे अब अब 8 ओवर्स8 ओवर्स में में 84 84 अच्छा अच्छा प्रयास प्रयास बल्लेबाजों बल्लेबाजों ने ने किया किया था। था। तो तगड़े बल्लेबाजों का आना अभी बाकी है, लेकिन ये जोड़ी जमती हुई नजर आ रही है। अविनाश की ओवर की पहली गेंद सीधे फील्डर के पास, शॉर्ट फायर लेग पर आसान सा कैच, विकेट प्राप्त करते हुए अविनाश बोहरा। धीमी गति से आई थी गेंद, वहां पर मौका जरूर था बैट्समैन के पास, लेकिन वहां पर मौका जरूर था बैट्समैन के पास, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए। मिस टाइम शॉट और एक कैच, शॉट फाइन लेग खिलाड़ी के लिए। गुलशन ने कोई गलती नहीं की, 93 पर लगा है तीसरा झटका गुजरात को, 15 रन बनाकर आउट हुए है जयंत पटेल। नए बल्लेबाज विकेट कीपर बैट्समैन प्रियेश पटेल नंबर 5 पर बड़े हिट्स लगा। आने में माहिर बल्लेबाज है। वैसे जिस तरह की सिचुएशन सूट करती है प्रियेश पटेल जैसे बल्लेबाज को, उसी तरह की सिचुएशन में आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन कितनी देर तक क्रीज पर टिक पाएंगे यह हमेशा एक सवाल बना रहता है। दोबारा बैटिंग के लिए जाने जाते हैं प्रियेश पटेल विकेट कीपर बैट्समैन। शॉर्ट बॉल पर विकेट प्राप्त किया है अभिनाश ने। लेंथ बॉल, अच्छा ड्राइव, पहली गेंद को मिडल किया है प्रियेश ने। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक था ये पहली गेंद पर खाता खोलते हुए। चुनौती बड़ी है यहां से गुजरात के बल्लेबाजों के समक्ष, लेकिन चुनौती नेपाल की गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। सिंगल वैसे आसानी के साथ उपलब्ध था, लेकिन काफी धीमी गति से पहले दौड़ रहे थे। आखिरकार हालांकि कंप्लीट किया गया है ये रन। अभी चीजों को सरल रखते हैं, सिंपल रखते हैं, अनुशासन दिखाते हैं गेंदबाजी में। विकेट टू विकेट, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर साबित होता हुआ ये नेपाल के लिए। बल्लेबाज ज्यादा समय बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जो है उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। करंट रन रेट इस समय 7.50 रन प्रति ओवर है। इस ओवर के बाद 7 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा और लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। स्वीप करने की कोशिश और स्कोर कर दिया, अराउंड द लेग्स, अभिनाश बोहरा के खाते में एक और विकेट। प्रियेश पटेल
थी, लेकिन गेंद की जो रफ्तार थी उसको सही तरह से भाप नहीं पाए थे और थोड़ा क्रॉस जाकर वो खेलने का प्रयास किया था। वहां पर प्रियेश पटेल ने गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए और पैरों के पीछे से उनका काम तमाम हो गया है। चौथा नुकसान, बड़ा झटका लगा है गुजरात को। 95-50 समय गुजरात, मात्र 43 गेंदों का खेल बचा हुआ है। यहां से और 82 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही आला दर्जे की फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पर। इसी तरह के फील्डिंग के लिए जानी जाती है नेपाल की टीम और ये पूरी सीरीज में देखने को मिला है। रन बचाते हुए खिलाड़ी वहां पर, 13 ओवर की समाप्ति, 96-4 काफी सफल ओवर रहा अविनाश का। स्टंप्स पर आती हुई गेंद कुशल की टर्न कर दिया है ऑफ साइड में, सिंगल जरूर मिलेगा। 41 गेंदों का खेल बाकी है, 80 रनों की यहां से दरकार है। उमंग तांडेल के कंधों पर एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। लगातार दूसरे छोर से विकेट गिर रही है, एक छोर पर खड़े जरूर है उमंग तांडेल। बड़ा हिट, ये जाएगी मैदान के बाहर, इस बार पुल किया और 6 रन। थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, बहुत जल्दी गेंद की लेग को ताड़ लिया था वहां पर। फ्रंट फुट को पहले बाहर निकाला, फिर बैक फुट पर चले गए और पुल कर दिया। बहुत खूबसूरती के साथ खेला हुआ शॉट, डिप स्क्वायर के ऊपर से ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, इस बार कट कर दिया है। एक और अच्छा शॉट है लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग, 2 रन जरूर यहां पर मिलेंगे। अच्छा खेलते हैं स्पिन को खासतौर पर उमंग तांडेल, तेज बॉलर्स के विरुद्ध भी अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, लेकिन स्पिनर्स के विरुद्ध खास तौर पर उनका दबदबा जरूर रहा है। फिर से क्रीज में थोड़ा पीछे जाकर खेला है इस बार, हालांकि हल्के हाथों से केवल टर्न भर कर दिया था गेंद को एक रन के लिए। सबसे अच्छी बात यह रही है कि जब भी मौका मिलता है उमंग तांडेल को, थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलती है तो वहां पर प्रहार करने से चूकते नहीं है। 32 पर पहुंच चुके हैं कप्तान, सेट बल्लेबाज है इस समय हर्ष देसाई के पास अब स्ट्राइक, और हर्ष को शुरुआत में ये करना भी होगा, सिंगल लेकर कप्तान को स्ट्राइक पर लाए। आंखें जम गई है उमंग तांडेल की और इसीलिए जितनी ज्यादा गेंदे उमंग तांडेल खेलेंगे उतना फायदेमंद साबित हो सकता है गुजरात के लिए। अच्छा ओवर घटाया अभी तक ये गुजरात के लिए। सॉफ्ट एंड पुश, एक और सिंगल महंगे साबित हुए कुशल इस ओवर में। 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर 108 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल अब इस फाइनल मैच में शेष रह गया है, यानी कि 36 गेंदे जीतने के लिए 69 रन चाहिए। रनों के मामले में अभी भी हम देखें तो गुजरात की टीम आगे नजर आ रही है, लेकिन विकेटें ज्यादा गिरी है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 14 ओवर के बाद, 108 रन बने हैं। नेपाल ने 97 बनाए थे लेकिन एक ही विकेट खोया था।
और उसका फायदा मिला आखिर के ओवर्स में नेपाल को। जो 15वां ओवर था पारी का उसमें 20 रन आए थे नेपाल के लिए, और वहां से जो रफ्तार पकड़ी थी बल्लेबाजों ने वो अंत तक नजर आई। 176 रनों का बढ़िया टोटल पोस्ट किया गया स्कोर बोर्ड पर। गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत काफी अच्छी दी, ठोस आधारशिला रखी गई, लेकिन मिडिल ओवर्स में गेंदबाजों ने वापसी की नेपाल के लिए। और अब डेथ ओवर्स का खेल यहाँ पर शुरू हो रहा है, आखिर के 5-6 ओवर्स जहाँ पर काफी ज्यादा रोमांच आपको देखने को मिल सकता है इस मुकाबले में। 36 गेंद और 69 रन, यह समीकरण कर किसी अपने आप ही ओवर में साउथ एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामने है उमंग, फुल टॉस इस बार स्विंग कर दिया है ऑफ साइड में, झरना के तरह शॉट, कोई खिलाड़ी डिप्स पर लेप पर नहीं होता भी तो कुछ फायदा नहीं होता। मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम कप्तान तांडेल के बल्ले से। उमंग है मैदान में तो गुजरात के खेमे में एक जबरदस्त तरंग भी है, उमंग है, हर्षोल्लास है, क्योंकि ये बल्लेबाज बहुत ही खास है, इसके पास आत्मविश्वास है। कमजोर गेंद थी, ढीली गेंद थी करण केसी की, फ्रेंडली फुल टॉस और उसको बहुत आसानी के साथ डिपॉजिट किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। नेपाल की गेंदबाजी रास आ रही है उमंग तांडेल को, पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे, 47 रनों की पारी और अब 40 पर पहुंचते हुए सिंगल के साथ। हालांकि अच्छी गेंद थी, कुलर लेन तेज डाली हुई गेंद ऑफ के बाहर करण केसी द्वारा, पहली सफलता नेपाल टीम को करण केसी ने दिलाई थी। उमंग को चाहिए अब हर्ष देसाई का साथ, इससे पहले प्रियेश आए थे लेकिन प्रियेश कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, जल्दी आउट हुए। देखने में शॉट अच्छा लगा, वो गेंद इनफील्ड के ऊपर से निकल गई इसलिए, लेकिन बाहरी किनारा लगा था और शॉर्ट थर्ड बैट के ऊपर से गेंद निकल गई थी, तो जहां खेलना चाहते थे हालांकि वहां खेल नहीं पाए थे, लेकिन 4 रन्स मिले हैं, 4 मूल्यवान रन्स। और वाइट यॉर्कर आधुनिक क्रिकेट में, खासतौर पर T20 क्रिकेट में, डेथ ओवर्स में तेज बॉलर्स वाइट यॉर्कर्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी गेंद है जिससे आप लेग साइड के शॉट्स लगभग बंद ही कर देते हो बल्लेबाज के, और बहुत अधिक विकल्प बैट्समैन के पास नहीं रहते हैं खासतौर पर बाउंड्री प्राप्त करने के लिए या फिर रन्स बनाने के लिए। वाइट यॉर्कर पर काफ़ी कारगर साबित होती है वाइट यॉर्कर गेंद, लेकिन इस ओवर में खर्चीले साबित हुए हैं अभी तक करण केसी। इस बार भी गैप में निकाल दिया है फील्डर, बहुत दूर, कोसों दूर है, एक और चौका हर्ष देसाई के बल्ले से। फिर से वाइड यॉर्कर का प्रयास था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर जरूर गेंद रखी थी लेकिन ये परफेक्ट यॉर्कर लेन पर नहीं थी और बैट का केवल फेस खोला है स्लाइस करते हुए, जबरदस्त प्लेसमेंट। शॉट थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे।
चौका प्राप्त करते हुए हर्ष देसाई, दो चौके उनके बैट से निकले इस ओवर में। पहली गेंद पर छक्का जड़ा उमंग तांडेल ने, और जो बड़ा ओवर चाहिए था वो बड़ा ओवर यहाँ पर आता हुआ गुजरात के लिए। कुछ और रन आएंगे यहाँ पर, फिर से बढ़िया टाइमिंग, तेज ट्रेवल कर रही है गेंद। ओहो हो, अब फील्डर्स भी दबाव में नजर आते हुए, चार रन और एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका हर्ष देसाई के बल्ले से। कलात्मक शॉट्स खेले जा रहे हैं, हालांकि ये गेंद देखिए रोकी जा सकती थी, लेकिन आज कुछ गलतियां नेपाल के फील्डर्स ने भी की है आउटफील्ड में। और अब पांच ओवर्स में 50 रन चाहिए, 30 गेंदे 50 रन, ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। दिस इज नाइसली पॉज्ड एट द मोमेंट दिस फाइनल मैच। स्टिल इट्स इवन स्टीवन काइंड ऑफ सिचुएशन, किसी भी दिशा में जा सकता है ये फाइनल मैच। ट्रॉफी किसके नाम होगी, कौन बनेगा चैंपियन, बड़ा सवाल है। नेवर की शुरुआत, इस बार मिस टाइम शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच, कुशाल ने कोई गलती नहीं की, सफलता नेपाल टीम के लिए। पांचवा झटका गुजरात को और बड़ा झटका लगा है, कप्तान आउट हुए है उमंग तांडेल। सात गेंदों का केवल सामना किया है, काफी ऊपर नीचे होता रहा है ये फाइनल मुकाबला, काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये फाइनल मैच एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024। स्मित आया है बल्लेबाजी के लिए, बैट का फेस खोलते हुए खेला है, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक एक गेंद यहां से महत्वपूर्ण है, एक एक विकेट अब काफी महत्वपूर्ण है, एक एक रन की अपनी अहमियत है। लोफल टॉस इस बार ऑन ड्राइव किया है, अच्छा शॉट है, गैप में खेला हुआ शॉट, फील्डर को मशक्कत करनी पड़ी है। दो के लिए पलटे हैं, यहाँ पर क्या पीछे रह गए बल्लेबाज, जश्न मनाते हुए नेपाल के खिलाड़ी मैदान में, हालांकि तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। दो रन्स बनने तो चाहिए थे, लेकिन अभी देखना है क्या वाकई में ये दो रन्स बने हैं या फिर बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं पाए हैं। हर्ष देसाई थे डेंजर एंड पर, और ये देखिए दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ जबरदस्त टेलीकास्ट, और काफी दूर रह गए बल्लेबाज, रन आउट। नीलकंठ विकेट का पतन, इससे पहले भी एक ओवर में दो खिलाड़ी आउट हुए थे, अविनाश बोहरा का वो ओवर था और अब दीपेंद्र सिंह ऐरी के ओवर में दो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, जबकि इस ओवर में अभी भी तीन गेंदे शेष है। ताज्जुब जरूर हुआ होगा दर्शकों को भी कि बल्लेबाज पहुंच नहीं पाए, शॉट काफी अच्छा था लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। छह खिलाड़ी अब पवेलियन में लौट चुके हैं, 128 रन इस समय स्कोर है गुजरात का।
एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर, बैकफुट पर जाकर दिशा दिखाई है गेंद को, स्वीपर कवर में फील्डर तैनात है। अब देखिए दोहरी चुनौती है बल्लेबाजों के समक्ष, विकेटें भी आपको बचा कर रखनी होगी क्योंकि 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, इसके बाद कोई ज़्यादा बल्लेबाजी शेष नहीं है और जो रिक्वायर रेट है उस पर एक नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी, सुनिश्चित करना होगा कि वो आपके पहुँच से बाहर ना जाए। बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया अपनी फील्डिंग से और अपनी गेंदबाजी से भी। इस बार थोड़ी छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेल दिया है, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, इक्का दुक्का रनों से अब ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी नेपाल के कैप्टन को और उनके गेंदबाजों को। 16 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 130/6, 47 रनों की ज़रूरत है, 24 गेंदों का खेल शेष। देखिए पिछला ओवर शुरू होने से पहले 10 रन प्रति ओवर आस्किंग रेट था, लेकिन एक ओवर के बाद ही 12 के करीब पहुंच चुका है आस्किंग रन रेट, 11.75 रन्स पर ओवर फ्रॉम हियर ऑन द रिक्वायर्ड रेट। अब चीजें एक बार फिर से मुश्किल लगने लगी है गुजरात के लिए, आखिर तक लेकर जाना होगा बल्लेबाजों को इस मुकाबले को, कम से कम एक बड़ा ओवर चाहिए अब एक बार फिर से गुजरात को। जिस तरह से गेंदबाजों को रोटेट किया है इस पूरे सीरीज में रोहित पौडेल ने, वो काबिले तारीफ रहा है, उनकी कप्तानी की वाकई में प्रशंसा करनी होगी। अविनाश बोरा काफी सफल साबित हुए हैं पहले दो ओवर्स में, 11 रन देकर 2 विकेट्स, छुपा रुस्तम खिलाड़ी निकले हैं अविनाश इस फाइनल मैच में, और उनके हालांकि टीम में आने के जो चांसेस थे वो कहीं ना कहीं थोड़े कम भी लग रहे थे, वहां पर जो स्पॉट खाली था एक गेंदबाज का अविनाश को मौका दिया गया। हालांकि आकाश चांद भी है टीम में, दिवेक कुमार यादव है, ललित राजवंशी है बायत के स्पिन गेंदबाज, लेकिन अविनाश को प्लेइंग 11 में जगह दी गई इस फाइनल मैच में और निराश नहीं किया है, काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है इस फाइनल मैच में अविनाश ने। और फ्रंट फुट पर आकर शायद वो स्वीप के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन लगभग यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लगा नहीं था कि 2 रन यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 30 दौड़े बल्लेबाज, फील्डर थोड़े दूर थे उसका फ़ायदा उठाया है, 2 रन पूरे किए गए हैं। स्मिथ पटेल और तेजस पटेल की जोड़ी है इस समय क्रीज पर, 133/6। इस फाइनल पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश में टीम नेपाल, श्री अनिल भाई पटेल आज मौजूद है, ऑनररी सेक्रेटरी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। इस फाइनल मैच के लिए सीधे फील्डर के पास, आसान सा कैच रोहित पौडेल के लिए एक्स्ट्रा कवर पर, एक और विकेट का पतन। जोरदार ड्राइव लगाया था और गैप लेने की कोशिश जरूर थी, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ खेल पाए, और ये तो बहुत ही सरल अवसर था रोहित जैसे एक ज़बरदस्त फील्डर के लिए, कोई गलती नहीं की उन्होंने। 7वां झटका लगा है गुजरात को, पारी लड़खड़ाती हुई गुजरात की, और अब ट्रॉफी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि नेपाल की तरफ जा रही है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगातार विकेटों का गिरना ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है गुजरात के लिए। जब तक उमंग तांडेल खेल रहे थे तो निश्चित रूप से चीजें नियंत्रण में लग रही थी, हालांकि उमंग जब क्रीज पर थे तब भी विकेटें गिर रही थी, लेकिन उमंग का आउट होना निश्चित रूप से ऐसे लग रहा है कि वो टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है इस फाइनल मैच में।
फुल टॉस गेंद पर कैच आउट हुए उमंग तांडेल। सरल प्रजापति नंबर 9 पर, केवल 3 विकेट्स बचे हुए है, 21 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए चाहिए 44 रन। मुश्किल कार्य बल्लेबाजों के सामने, धीमी गति की शॉर्ट बॉल, पुल करना चाहते थे लेकिन गति में जो परिवर्तन किया अविनाश ने उसको समझ नहीं पाए। चतुराई भरी गेंदबाजी की है, पहली सफलता जो मिली थी वो शॉर्ट बॉल पर मिली थी, जयबीत पटेल को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच आउट करवाया था उन्होंने। फिर से छोटा रखा है, फिर से धीमी गति से डाली हुई गेंद, इस बार बल्ले पर जरूर लिया है लेकिन एक ही रन मिलेगा। जबरदस्त वापसी रही है इस मैच में नेपाल की। पांचवें ओवर में 50 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे सलामी बल्लेबाजों ने, मजबूत नींव रखी गई थी, आर्या देसाई बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम बदला है वो काफी जबरदस्त तरीके से बदला है। इस बार हवाई फायर स्वीप किया है खाली क्षेत्र में, अपना इलाका बहुत जल्दी चुन लिया था वहां पर तेजस ने, देखना है 4 या 6 गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चौका घोषित किया गया है, रोप से थोड़ी सी अंदर गिरी थी वो गेंद और फिर बाहर निकल गई है। 4 रन यहां पर मिलेंगे तेजस पटेल को, 138 पर 7, 17 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर्स का खेल बाकी है, 39 रनों की जरूरत है, 13 का आस्किंग रेट, मुश्किल है असंभव नहीं। दीपेंद्र सिंह ने बहुत प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से और यहाँ पर डायरेक्ट हिट, हालांकि बल्लेबाज सुरक्षित है लेकिन बिंदी गेंद
डॉट गेंदों से दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बनता ही जाएगा। हर ओवर में एक या दो बड़े शॉट्स अब चाहिए गुजरात को यह मैच जीतने के लिए, लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए भी बड़े शॉट्स खेलने होंगे। सरल प्रजापति और तेजस क्या यहां से हीरो बन सकते हैं? ये तो अपने गेंदबाजी के लिए ही ज्यादा जाने जाते हैं ये दोनों खिलाड़ी, लेकिन बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। दर्शनीय ड्राइव, इस बार लॉन्ग ऑफ फील्डर से दूर खेला है और यहां पर दो रन प्राप्त करते हुए सरल प्रजापति। क्षमता रखते हैं दोनों भी बल्लेबाज आक्रामक शॉट्स खेलने की। कुछ बड़े शॉट्स आएंगे तो जरूर नेपाल के कप्तान भी दबाव में आ सकते हैं, उनके गेंदबाज भी दबाव में आ सकते हैं। शॉट तो अच्छा है लेकिन इस पर ज्यादा रन्स नहीं मिलेंगे क्योंकि डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल दीपेंद्र सिंह ऐरी का, 3.2 ओवर्स में 11 रन दिए हैं, केवल 3 गेंदें खत्म हो चुकी है इस ओवर की। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर 2 रन और फिर सिंगल, यानी कि 3.3 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए हैं। एक सफलता दीपेंद्र के खाते में। आगे निकले और चूक गए खेलने से, स्टंप्स उध्वस्त कर दिए है विकेट कीपर ने और बैट्समैन आउट। तेजस पटेल पवेलियन की राह पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को खेलने से चूक गए और विकेट कीपर मोहम्मद आसिफ ने वहां पर कोई गलती नहीं की, स्टंपिंग के रूप में आउट हुए है तेजस पटेल। और गुजरात की उम्मीदों पर एक और कुठाराघात होता हुआ, 141/8 6 रन बनाकर आउट हुए है तेजस पटेल। इस पारी में 15वें ओवर में 19 रन आए थे और 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे, तब बिल्कुल नेक टू नेक फाइट लग रही थी, लेकिन उमंग तांडेल उनका विकेट, बहुत ही क्रूशल विकेट, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने वो सफलता दिलाई। उसके बाद पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई है गुजरात की, मात्र 2 विकेट शेष है, 36 रनों की जरूरत, 14 गेंदों का खेल बाकी। युवराज सिंह झाला 10वें नंबर पर आए हैं, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई थी, बैट का थोड़ा सा फेस खुल गया था, एक ही रन मिलेगा यहां पर। दीपेंद्र सिंह का जो कोटा है 4 ओवर्स का वो काफी निर्णायक रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से गेम को चेंज किया है। पावर प्ले का अंतिम ओवर भी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने डाला था जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 रन खर्च किया था और 1 रन 22 के रूप में आया था, 2 ही रन आए थे उस ओवर में, वहां से सही मायनों में मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उनके ओवर के बाद विकेट का पतन हुआ, करण केसी ने पहली सफलता दिलाई थी, चॉप करने की कोशिश, बहुत तेज डाली हुई गेंद थी, बिट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही लाजवाब स्पेल समाप्त होता हुआ दीपेंद्र सिंह ऐरी का। 4 ओवर में 13 रन देकर 2 सफलताएं इस महामुकाबले में, 142/8 18 ओवर्स के बाद गुजरात। बारह गेंदों में 35 रनों की है दरकार अब यहां से गुजरात को यह फाइनल मैच जीतने के लिए। यहां पर फॉल ऑफ विकेट्स पर नजर डालिएगा, 93 पर तीसरा विकेट गिरा था, जी हाँ 93 पर तीसरा विकेट गिरा था और उसके बाद जो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विकेटें गिरी है, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरी है पिछले कुछ ओवर्स में गुजरात की, लेकिन फिर भी बीच में 15वें ओवर में जब 19 रन आए थे तो वहां पर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा था,
लेकिन मोमेंटम को अपने पक्ष में बरकरार नहीं रख पाए हैं गुजरात के बल्लेबाज। अविनाश अपना आखिरी ओवर लेकर, मैच का पेनल्टीमेट ओवर, शॉर्ट आर्म पोल के दबाव में है लेकिन फील्डर नहीं है गेंद के नीचे, एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज, दो रन से यहाँ पर मिल भी सकते थे। सरल प्रजापति और युवराज सिंह चाला की जोड़ी इस समय क्रीज पर, 11 गेंदे और 34 रन चाहिए। अब तो बल्लेबाजों के पास और कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं है इसके सिवाय कि दे घुमा के बड़े शॉट्स ही ये मुकाबला जिता सकते हैं गुजरात को। राउंड द विकेट से लो फुल टॉस फ्लिक कर दिया है, दो के लिए देख रहे हैं, पलटे भी है और बढ़िया दौड़े भी है, दो रन इस बार पूरे होते हुए। अब 10 गेंदों में 32 रनों की है जरूरत, रनों और गेंदों के बीच में 22 का फासला है और ये फासला 4-5 बड़े शॉट्स खेलकर ही पूरा किया जा सकता है। सिंगल डबल से तो बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने गलने वाली नहीं है गुजरात की। इस बार ड्राइव किया है, ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर पाए लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब और जबरदस्त फील्डिंग वहां पर डीप कवर की दिशा में, एक ही रन पर सीमित रखा है बैट्समैन को। सरल नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं, गेंद के नीचे घुसते हुए थोड़ा सामने खेलना चाह रहे थे लेकिन थोड़ी स्क्वेयर गई थी गेंद, संभवतः लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलने का प्रयास था। उस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है गुजरात की, सिंगल डबल से मैच नहीं जीता जा सकता है, चौकों छक्कों की ही जरूरत है। छोटी गेंद इस बार हुक किया है, थोड़ा टॉप एज हुआ है लेकिन फिर से फील्डर से दूर गेंद और फिर से सिंगल। अविनाश ने जिस चतुराई के साथ गेंदबाजी की है काबिले तारीफ, कमाल कर दिया है, 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। और हालांकि इस फाइनल मैच में अविनाश को इतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं किया जा रहा था अन्य खिलाड़ियों की तुलना में, लेकिन अविनाश ने दिखा दिया है कि वे बहुत अच्छे गेंदबाज है। इस बार बढ़िया ड्राइव, दिलकश ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, अपनी दाहिनी तरफ चले गए थे आयरी, दो रन यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे लेकिन नेपाल के खिलाड़ी, नेपाल के कैप्टन और नेपाल के फैंस भी जानते हैं कि अब ये मुकाबला जो है वो नेपाल के पक्ष में झुक रहा है। 7 गेंदें बाकी है, 28 रनों की है आवश्यकता। इस गेंद पर यदि बड़ा हिट आएगा तो ज़रूर आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत रोमांच देखने को मिल सकता है। क्या मोमेंटम को अपने पक्ष में ला सकते हैं यहाँ से बल्लेबाज सरल। यॉर्कर की कोशिश, देखना है बैट से या नहीं, शॉट फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर, लेग बाइस का इशारा। इसके साथ ही 19 ओवर्स का खेल समाप्त, 150 रन जरूर पूरे हुए हैं लेकिन 8 विकेट भी गिरे हैं गुजरात के और आखिरी ओवर में 27 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी अविनाश बोहरा की, 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट्स उनके खाते में। हेलो नमस्ते सभी जानकारी और बार जो बात जीने की स्पेशल के सर आवा जानकारी हमारे YouTube चैनल लाई सब्सक्राइब कर रहा जानकारी जिस तरह से नेपाल के फैंस उनके हर मैच में मौजूद रहे हैं, चैनल लाई सब्सक्राइब कर रहा जानकारी खिलाड़ियों का और खेल भी जबरदस्त पेश किया है इस ट्राई सीरीज में नेपाल ने और जीतने का अब मौका है, चैंपियन बनने का मौका नेपाल के पास। हालांकि मैच अभी भी समाप्त तो नहीं हुआ है लेकिन पलड़ा भारी है नेपाल का। 6 गेंदे 27 रन, फाइनल मैच का फाइनल ओवर लेकर सोमपाल कामी तैयार होते हुए, जश्न मनाने की तैयारी में नेपाल के फैंस। क्या यहां से करिश्माई प्रदर्शन सरल प्रजापति कर सकते हैं? लगातार अब बड़े बड़े हिट्स की जरूरत है, एक या दो बड़े हिट से शायद काम ना बने, कम से कम 4 बड़े हिट्स। वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत, रन नहीं लिया गया है,
सरल प्रजापति द्वारा बल्ला उठाना होगा। अब यहाँ पर हवाई फायर्स करते हुए ही ये मैच जीता जा सकता है। 5 गेंदों में 27 रन चाहिए, 5 गेंदों में 5 चौके लगाकर भी आप मैच नहीं जीत सकते हो। मैक्सिमम्स की आवश्यकता है, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम्स की जरूरत है गुजरात को। काफी प्रसन्न नेपाल के दर्शक। इस बार हवाई फायर किया जरूर है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, जबरदस्त एफर्ट, कमाल का एफर्ट, खुद बाउंड्री के बाहर चले गए लेकिन गेंद को अंदर धकेला है। चेक करना चाहते हैं अंपायर, इस बार क्रीज में हल्का सा पीछे जाकर हाफ वाली में लेकर लॉफ्ट किया था ये शॉट, बहुत ही उम्दा, लेकिन ये एफर्ट उससे भी बेहतरीन कुशल भुरतेल। छक्का बचा लिया है वहां पर कुशल भुरतेल ने। शुरुआत से ही तारीफ होती रही है नेपाल के फील्डिंग की, आज जरूर कुछ मौकों पर थोड़ी सी फील्डिंग ढीली रही है लेकिन ओवरऑल नेपाल की फील्डिंग लाजवाब। और इस बार केवल फ्लिक बर कर दिया है फील्डर पीछा करते हुए, गेंद का थोड़ी दूर जाकर गिरी है। देखिए इस बार भी बाउंड्री नहीं होने दी है और अब तो केवल औपचारिकता शेष है जीत की दहलीज पर इस फाइनल मैच में। नेपाल टीम 3 गेंदों में 24 रन चाहिए, महज औपचारिकता शेष है। ऐसा नहीं कि गुजरात टीम ने यहाँ पर चुनौतियां पेश नहीं की नेपाल को, कई ऐसे मौके आए जहां पर लग रहा था कि गुजरात की टीम आगे है इस फाइनल मैच में, लेकिन मोमेंटम जो नेपाल के पास पिछले कुछ ओवर्स में आया है उसको छोड़ा नहीं है उनके गेंदबाजों ने। इस बार एक और अच्छा शॉट, अब की बार गैप ढूंढा और 4 रन, झाला के बैट से ये ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, लेकिन बहुत देर हो चुकी है अब गुजरात के लिए। अच्छा फ्लिक शॉट था, पूरे ट्राई सीरीज में नेपाल का दबदबा रहा है। पिछला मैच जरूर काफी चेंजेस भी किए गए थे, कुछ प्रमुख गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को विश्राम दिया गया था, नेपाल टीम हार गई थी लेकिन इस फाइनल मैच में कमाल का प्रदर्शन। बल्लेबाजी में कप्तान ने टोन सेट किया, सही मायनों में चॉप किया इस दफा, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। आखिरी गेंद शेष है, 20 रनों की है आवश्यकता गुजरात को। रोहित पौडेल की 74 रनों की धुआंधार पारी मात्र 34 गेंदों में 34 रनों का योगदान मोहम्मद आसिफ का, और फिनिशिंग टच कुशल मल्ला ने दिया था पारी को, 13 गेंदों में 31 रन जिसके चलते 176 रन बनाए और अब उस स्कोर को डिफेंड करने की तैयारी में है टीम नेपाल। आखिरी गेंद और इसके साथ ही इस फाइनल मैच को जीत लिया है नेपाल ने, वापी में मैदान मार लिया है टीम नेपाल ने। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 को अपने नाम कर लिया है टीम नेपाल ने, चैंपियन बनती हुई इस टूर्नामेंट में नेपाल टीम। 158 तक ही पहुंच पाई गुजरात की टीम, 177 की थी चुनौती, 18 रनों से ये महामुकाबला जीता है नेपाल ने। जबरदस्त टीम एफर्ट, बल्लेबाजी में कप्तान ने उदाहरण देकर टोन सेट किया अपनी टीम के लिए, रोहित पौडेल की 74 रनों की पारी, अविस्मरणीय इनिंग्स उनकी देखने को मिली, कुशल मल्ला का योगदान महत्वपूर्ण। मोहम्मद आसिफ शेख ने अच्छा योगदान दिया बल्ले के साथ, और गेंदबाजी में हीरो रहे हैं अविनाश बोहरा, 3 विकेट्स उनके खाते, 26 रन दिए और दर्शक देखिए कितने खुश है। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी कमाल की गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल रहे, 2 सफलताएं भी प्राप्त की और साथ में कुशल मल्ला ने भी गेंदबाजी में अच्छा योगदान दिया। तो ओवरऑल जबरदस्त टीम एफर्ट इस पूरे सीरीज में नेपाल टीम का देखने को मिला है और आखिरकार एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 को नेपाल ने जीत लिया है।
हर्षोल्लास का माहौल है नेपाल के खेमे में। नेपाल के समर्थक हर मैच में काफी जबरदस्त संख्या में मौजूद रहे हैं यहाँ पर साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड वापी गुजरात में, और दर्शक काफी खुश है क्योंकि टीम ने अच्छा खेला है। जिस उम्मीद के साथ नेपाल के समर्थक आए थे मैदान में, उस पर खरे उतरे हैं नेपाल के खिलाड़ी रोहित पौडेल और उनकी आर्मी। गुजरात के पास भी जरूर मौके तो थे, अच्छा योगदान दिया। Parece bom.